कॉर्पोरेट ड्राम में अब हमारा फोकस है फीनिक्स मिल्स इस पर। और चूंकि हम जानते हैं कि कई राज्यों में, कई स्टेट्स में मॉल्स खुल गए थे, उसका क्या इम्पैक्ट रहा बिजनेस और डिमांड कैसा है, और आप कुछ स्पेसिफिक स्टेट जैसे महाराष्ट्र में मॉल्स अभी खुले नहीं है बट उम्मीद की जा रही है 1 तारीख से खुलेंगे, उस पर क्या एक्सपेक्टेशन है। चलते कंपनी की ग्रुप COO रश्मि सेन हमारे साथ जुड़ रही है। रश्मि गुड आफ्टरनून, वापस हमारे से बात करने के लिए शुक्रिया। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आप किस तरीके का डिमांड देख रही हैं लोगों की तरफ से जब से मॉल्स खुले हैं। आई थिंक अब एक रीजनेबल टाइम फ्रेम हो चुका है जिसमें आपने ये असेस करा होगा कि किस तरीके का डिमांड आ रहा है, क्या लोग वाकई उतनी ही स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और परचेज कर रहे हैं मॉल से, अभी भी थोड़ी रिलक्टेंस है बाइंग ट्रेंड। So Swati, we are seeing a reasonable amount of demand that has started coming up in the malls that we've opened. Currently, 4 of our malls are operational. हमारे 2 मॉल लखनऊ में, एक हमारा जो मॉल वहाँ पे 10 साल से ऑपरेशनल है फिनिक्स यूनाइटेड के नाम से, और दूसरा ये जो नया मॉल हमने खोला है फिनिक्स पलासियो लखनऊ में, विच इज़ अ 1 मिलियन स्क्वायर फीट मॉल, और ये इसका आर्किटेक्चर आप देख पा रहे हैं, मतलब ये बहुत ही ग्रैंड और पैलेशियल है। वी आर कॉलिंग इट अ पैलेस मॉल एक्चुअली। एंड हमारा बैंगलोर का मॉल और बरेली का मॉल, ये चारों मॉल्स अभी ऑपरेशनल हैं, और इन चारों मॉल्स में हमने देखा है कि एक प्रकार से यू नो द कस्टमर सेंटिमेंट हैज स्टार्टेड कमिंग बैक, एंड वी आर सीइंग अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ डिमांड दैट इज कमिंग बैक इन ईच ऑफ दीज मॉल्स। ओके, फेयर इनफ। बट महाराष्ट्र पे आपका क्या व्यू है, कब तक उम्मीद कर रहे हैं मॉल्स खुल जाएंगे, और दूसरे स्टेट्स में भी कितना हिट उसका अभी आप देख रहे हैं बिजनेस पर, और ये साल कैसे समराइज करेंगे फॉर द कंपनी? आई थिंक द इंडस्ट्री ऑल द शॉपिंग मॉल्स महाराष्ट्र में टोटली यू नो स्काई रिसेंटली हैज बीन वर्किंग क्लोजली विद ऑल द शॉपिंग मॉल्स इन महाराष्ट्र, और टोटली महाराष्ट्र में लगभग 100 मॉल्स हैं, और एक प्रकार से इट इज़ अ डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल द मॉल्स इन महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तक कोई भी मॉल नहीं खुला है, बट वी आर कॉन्फिडेंट एज द केसेज आर नाउ स्टेबलाइजिंग ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन बॉम्बे, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू नो फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट वी विल सी ऑल द मॉल्स ओपनिंग इन महाराष्ट्र एज वेल। In fact, you know, the recent survey that Sky has done, they have put together a value of, you know, total loss of 5 million jobs that they are expecting to lose in Maharashtra. Agar August mein Maharashtra ke malls nahi khulte hain. So I think the situation is, you know, a little delicate in Maharashtra. But having said that, like I said to you earlier, the industry is confident that the Maharashtra malls will open in the first week of August and, you know, slowly start operating and getting stabilized again. रश्मि, सो उम्मीद की जा रही है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में महाराष्ट्र में मॉल्स खुले हैं। इम्पॉर्टेंट एरिया है जहां से बहुत सारी जॉब्स भी हैं, वो ना लूज हो उसके लिए गवर्नमेंट ये स्टेप जरूर देखे अगले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्विक टेक देने के लिए, इस वक्त बिजनेस किस तरह से रिटर्न हो रहा है और आगे उम्मीद की जा रही है मॉल ओनर्स की तरफ से। तो चलिए हम ब्रेक लेंगे एक छोटा सा, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला चलेगा।